हिमाचल प्रदेश में आज 17वां हिमाचल दिवस मनाया गया। इस मौके पर शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांग्रेस पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह भी कार्यक्रम में मौजूद रहीं। इस दौरान पुलिस बल की टुकड़ियों के सलामी दस्तों ने रिज मैदान पर मार्च पास्ट किया। वहीं इस दौरान हिमाचली संस्कृति की खास झलक भी देखने को मिली। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने 17वें हिमाचल दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई दी। हिमाचल दिवस का 77वां दिवस है और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश के लोगों ने अपनी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के आधार पर कार्य किया है, हिमाचल भले ही छोटी छोटी पहाड़ी प्रदेशों का राज्य रहा हो लेकिन सब मिलकर के जब हिमाचल बना है तो एक देवभूमि हो गया है। और उस देवभूमि में मैं समझ रहा हूँ कि सभी लोगों ने इसकी गंभीरता को स्वीकार करके देवभूमि की तरफ से कार्य किया है। हाँ, इतना जरूर मैं कहता हूँ कि इधर युवाओं में और लोगों में जो नशे की प्रवृत्ति बढ़ी है उससे हिमाचल को, हिमाचल की संस्कृति को ठेस पहुँची है। सभी लोगों को मिल कर करके हिमाचल प्रदेश से नशा के उन्मूलन के लिए कार्य करना चाहिए ताकि जो प्रतिष्ठा हिमाचल को मिली है वह और आगे बढ़े। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज़, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।